खबर मथुरा से, चोरी के 3 ट्रैक्टर सहित 3 चोरों को गोवर्धन पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 चोरों को गिरफ्तार कर गोवर्धन पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे। मथुरा थाना गोवर्धन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर ट्रैक्टर चोरों को 3 ट्रैक्टर सहित किया गिरफ्तार। रविवार को SP देहात त्रिगुण विशेन द्वारा गोवर्धन CO कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी जानकारी। SP देहात द्वारा बताया गया कि गोवर्धन पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 ट्रैक्टर चोरों को 3 ट्रैक्टर सहित पकड़ा गया है। वहीं SP देहात द्वारा बताया गया कि जब ट्रैक्टरों के चेसिस नंबरों को चेक किया गया तो ये नंबर बाइकों के निकले। वहीं बताया गया चोरी के ट्रैक्टरों को लाकर फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तैयार करवाकर गांव के लोगों को सस्ते में बेच देते थे। तो वहीं तीनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए 3 ट्रैक्टर चोर हरिराम पुत्र बाबू निवासी यादव मोहल्ला अडीग, गौरव पुत्र प्रकाश निवासी यादव मोहल्ला अडीग, हरिश्चंद्र पुत्र हन्नो यादव निवासी यादव मोहल्ला अडीग थाना गोवर्धन के रहने वाले हैं। वहीं शातिर अभियुक्त दाताराम पुत्र कुंदन सिंह निवासी अडीग के खिलाफ कार्रवाई कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुछ ट्रैक्टर चोरों को पकड़ा, क्या मामला है? देखिए, थाना गोवर्धन पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली, जबकि उनके द्वारा 3 चोरी किए गए ट्रैक्टर बरामद किए गए तथा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके जो ट्रैक्टर हैं उनका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, जो इसको डालते हैं तो उस पर मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के नंबर निकलते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये जो है चोरी के हैं, पर इनकी हम लोग मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी हुए हैं। इसके बाद जो है आपको बताएंगे कि कैसे कहाँ से चोरी हुई है। क्या क्या बरामद हुआ है सर? देखिए, इसमें यहाँ पर 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं और इसके साथ जो है इनके फर्जी सेल लेटर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य कागजात बरामद हुए हैं जिनको कि वेरीफाई किया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।